सब पत्थर ही है, पर एक मूर्ति का है और एक सीढ़ी का है। एक के जीवन की तपस्या है साधना, और एक के जीवन की तपस्या थोड़ी कम है। एक के जीवन में उसने सबको स्वीकार कर लिया है, सम्मिलित कर लिया है, कांटों को भी, फूलों को भी, अच्छे को भी, बुरे को भी, रात को भी, प्रकाश को भी, सबको सम्मिलित कर लिया है, सहज उसने स्वीकार कर लिया है। और एक इसलिए रो रहा है कि उसने भी स्वीकार नहीं किया है। एक अच्छे को स्वीकार कर लेता है, बुरे के लिए रोता है, कष्ट आए तो परेशानी, रोना, और अच्छा सुख संपत्ति साधन इत्यादि है तो ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत बढ़िया करते हैं, और थोड़ा कांटे आ गए, कष्ट आ गया, मुश्किलें आ गई, तो परमात्मा तो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या इतनी साधना है आपकी? क्या ऐसा ही भरोसा है आपको, जिन पर, जिनको आप रात दिन भजते हो, उतना ही भरोसा लेकर जीते हो क्या? इसका मतलब अभी हमने एक पक्ष को स्वीकार, पत्थर तो हम है पर अभी सीढ़ी के बने हैं, अभी मूर्ति बनना बाकी है, उतना ही अंतर है। और जब मूर्ति बन जाते हैं, माने जब देने लायक हो जाते हैं, तब देना नहीं पड़ता, जो उसके सानिध्य में आता है फिर अपने आप वो सुख चैन पाता है। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि जब नदी के किनारे बैठोगे तो नदी से मांगना नहीं पड़ेगा कि शीतलता दो, अपने आप किनारे बैठोगे, पास बैठोगे जल के, तो शीतलता मिल ही जाती है। अपने आप जब अग्नि के पास जाओगे तो उष्णता मिल ही जाती है, गर्मी मिल ही जाती है, सूर्य से प्रकाश मिल ही जाता है, रात्रि से अंधेरा मिल ही जाता है। तो जिस सानिध्य में बैठोगे वहां कहना नहीं पड़ेगा, वहां से अपने आप वो वयार ऐसी चलेगी कि आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। कुछ ऐसे संत चरण होते हैं, कुछ ऐसे तेज और ओज को धारण करने वाले जीवन होते हैं, जिनके सानिध्य में यदि बैठा जाए तो अपने आप बहुत कुछ मिल जाता है। अभी मूर्ति बनने की ही ये कला सिखा रही है, ये त्रिदिवसीय मातृ शक्ति की ये कथा। वही बनना है हमको कि कुछ बनकर किसी को दिया जा सके, यही सत्य है।